सिर्फ एक रूम में बैठकर आप पूरी दुनिया की सैर कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, और वो दुनिया होगी मेटावर्स की दुनिया। और जैसा कि आपको पता ही है कि फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा कर लिया है, नेटा नहीं मेटा, मेटा। और अब आप सोचेंगे कि फेसबुक इतनी बड़ी कंपनी थी, फिर भी उन्होंने अपना नाम क्यों बदल लिया, इसके पीछे इसका क्या राज है? तो आइए जानते हैं, फेसबुक के मालिक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग का कहना है कि ये दुनिया जो है वो पूरी तरह से बदलने वाली है, यानी मेटावर्स की दुनिया होने वाली है। तो ऐसे में वो पीछे कैसे रह सकते हैं? तो उनकी कंपनी जो है फेसबुक, वो चाहते हैं कि फेसबुक सिर्फ सोशल मीडिया के तौर पर ही ना रह जाए, बल्कि नेक्स्ट लेवल की दुनिया हो। इसलिए उन्होंने फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर लिया है। पर अब सवाल ये उठता है कि ये जो मेटा शब्द है ये आया कहां से? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मेटा शब्द है ये आज का नहीं है, बल्कि बहुत पुरानी शब्द है। दरअसल एक नोवेल लिखा गया था नील स्टीफनसन के द्वारा 1992 में, जिसका नाम था स्नो क्रैश। तो इसी नोवेल में सबसे पहली बार मेटावर्स का जिक्र किया गया था, यानी पहली बार बताया गया था कि ऐसा भी हो सकता है कि इंसान एक जगह बैठे, यानी घर में बैठे ही दूर कहीं किसी व्यक्ति से फेस टू फेस बातें कर सकता है। अब आप सोचेंगे कि ये तो हम अभी भी कर पा रहे हैं वीडियो कॉलिंग के जरिए, पर ऐसा नहीं है मेरे भाई। उनके कहने का सेंस कुछ और है। जैसे मान लीजिए कि एक इंसान मुंबई में बैठा है और एक इंसान यूएस में बैठा है, तो वो दोनों फेस टू फेस बातें कर सकता है, वीडियो कॉलिंग के जरिए नहीं, बल्कि इंसान को 3D मूव करते हुए उसके पास पहुंचा दे। जैसे आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि काश इंसानों के पास भी पड़ होते, ताकि वे हवा में उड़ सके, या फिर कुछ ऐसी पावर होती जो इंसान पानी पे भी चल सके। तो आपने अपने दिमाग में जो कैरेक्टर डिजाइन किया, यानी हवा में उड़ने वाला या फिर पानी पे चलने वाला, तो उसे साइंस की भाषा में फिक्शन कहते हैं, साइंस फिक्शन कहते हैं। तो ठीक ऐसे ही 1992 में नील स्टीफनसन ने यह विचार किया था कि काश ऐसा हो कि इंसान घर में ही बैठा रहे और वो दुनिया में कहीं भी जाना चाहे वहां जा सके, जो भी काम करना चाहे वो कर सके। तो इसी चीज को हम कहते हैं मेटावर्स। अब ये मेटावर्स क्या होता है? तो सबसे पहले हम मेटावर्स का मीनिंग समझ लेते हैं। मेटा का मतलब ग्रीक में बियॉन्ड होता है। बियॉन्ड का मतलब होता है कि जहां आप नहीं सोच सकते उससे पड़े, और वर्स का मतलब होता है यूनिवर्स। तो हो गया ना मेटावर्स। जैसा आप यूनिवर्स देख रहे हैं उससे अगर पड़े की बात की जाए तो वो मेटावर्स कहलाता है। तो मेटावर्स आपको समझ आ गया होगा, और आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि फेसबुक का जो नाम बदला है, फेसबुक के जगह जो मेटा रखा गया है, वो इसी नोवेल से मेटा वर्ड को लिया गया है, ताकि इसे सोशल मीडिया से कहीं ज्यादा आगे एक वर्चुअल दुनिया में लाया जा सके। सच कहूं तो ये इंटरनेट से भी नेक्स्ट लेवल की दुनिया होने वाली है, मेटावर्स की दुनिया। चलिए अब हम मेटावर्स को और आसान भाषा में समझ लेते हैं। मेटावर्स एक तरह की वर्चुअल दुनिया होगी, और इस टेक्निक की मदद से आप वर्चुअल आइडेंटिटी के जरिए आप डिजिटल वर्ल्ड में एंटर कर पाएंगे, यानी एक पैरेलल वर्ल्ड होगी। पैरेलल वर्ल्ड का मतलब हुआ कि जैसे अभी हमारी ये दुनिया है, तो ठीक ऐसे ही एक और दुनिया होगी जो कि वर्चुअल होगी, और उस दुनिया में हम जहां चाहे वहां जा सकते हैं, कोई भी सामान खरीदना चाहे खरीद सकते हैं, जिससे मिलना चाहे उससे मिल सकते हैं। लाइक अगर आप अपने दोस्तों से मिलना चाहते हैं तो अपने दोस्तों से मिल सकते हैं, या फिर परिवार वालों से मिल सकते हैं, या फिर रिश्तेदार वाले से, किसी से भी मिल सकते हैं, या फिर आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिल सकते हैं। अब बहुत सारे बॉयज के कान खड़े हो गए होंगे और ये सोच रहे होंगे कि हाँ अब काम की बात हो रही है, अब ये मेरे मतलब का है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, बेबी, बाबू, जानू, सोना, धनिया, पुदीना, मुझे मिलने का मन कर रहा है। तो वो घर में बैठे ही मेटावर्स की मदद से उससे जाके मिल सकते हैं, यानी एक लड़का लड़की से मिल सकता है एक रूम में बैठे ही, और वो खूब सारी बातें कर सकते हैं। अगर हम बात करें फीलिंग्स की, तो एकदम आपको रियलिस्टिक वाली फीलिंग आएगी। चलिए अब जानते हैं कि ये मेटावर्स कैसे काम करेगा। मेटावर्स ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कई टेक्नोलॉजी की कॉम्बिनेशन पर काम करेगा। मेटावर्स टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए VR हेडसेट और मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर कोई डेडिकेटेड हार्डवेयर जो अभी बना नहीं है उसका इस्तेमाल में लिया जा सकता है। आपको बता दें कि मेटावर्स की दुनिया में आप कहीं भी घूम सकते हैं और किसी से भी मिल सकते हैं, और तो और आप 3D इमेज के जरिए घर बैठे ही पूरा US घूम सकते हैं। यानी आपकी एक फोटोकॉपी होगी, वो जाएगा US, और US में जो सामान चाहे वो खरीद सकता है। पर यहाँ सामान कौन खरीद रहा है? आप खरीद रहे हैं, क्योंकि सिस्टम पे आप बैठे हुए हैं और घर बैठे ही पूरा US घूम रहे हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए अगर मुझे कोई सामान पसंद आ गया, तो सामान को हम कैसे खरीदेंगे और हमारा 3D कॉपी सामान कैसे लाएगा? क्योंकि भाई इंसान है, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि हम किसी दुकान में जाते हैं, पैसे देते हैं, सामान ले लेते हैं, तो हमारा 3D कॉपी वो सामान कैसे लाएगा? और आपको अच्छे से पता है कि 3D कॉपी सामान नहीं ला सकता, तो फिर ये शॉपिंग होगी कैसे? तो जैसे मान लीजिए आपको एक AC पसंद आता है, तो फिर वो AC आपके घर तक कैसे पहुंचेगा?
तो सबसे पहले क्या है कि एसी का जो अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी से, फिर वो एसी जो है वो आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा, यानी जो भी शॉपकीपर है वहाँ का वो आपके घर तक डिलीवर कर देगा, यानी आपको वर्चुअल शॉपिंग का एक्सपीरियंस मिलेगा, यानी सचमुच वो एसी आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। मैं इसका एक और उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप मॉल जाते हैं, मॉल घूमते हैं, तो जो जो सामान आपको पसंद आती है वो सामान आप खरीद लेते हैं, तो ठीक वैसे ही मेटावर्स की दुनिया में आप जो सामान चाहे वो खरीद सकते हैं, लेकिन चीज़ें जो हैं, जो सामान है वो आपके घर पे डिलीवर होगा। यही नहीं दोस्तों, आप मेटावर्स की दुनिया में आप जमीन खरीद सकते हैं, इवन बिजनेस या नौकरी भी कर सकते हैं। तो आगे चल के मेटावर्स में बहुत बड़ा बिजनेस बनने वाला है और बहुत सारे लोगों को नौकरी भी मिलेगी। हालांकि मेटावर्स को बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, फिलहाल ये शुरुआती फेज में है। आपको बता दें कि मेटावर्स को पूरी तरह से डेवलप करने में 10 से 15 साल लग सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी है कि मेटावर्स को सिर्फ फेसबुक कंपनी ही नहीं बना रही है, बल्कि कई ऐसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इसे बनाया जा रहा है। आप यूं समझिए कि ये बहुत बड़ा जाल है जिस पर कंपनियां मिलकर काम कर रही है। मेटावर्स में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एसेट क्रिएशन, इंटरफेस क्रिएशन, प्रोडक्ट और फाइनेंशियल सर्विस जैसे कई कैटेगरी हैं जिन पर सैकड़ों कंपनियां काम कर रही हैं। आपको बता दें कि फेसबुक के अलावा गूगल, एप्पल, स्नैपचैट, एपिक गेम्स वो बड़े नाम हैं जो मेटावर्स पर कई सालों से काम कर रही हैं। उम्मीद है कि 2035 तक मेटावर्स 74.8 करोड़ रुपए की इंडस्ट्रीज हो सकती है। फेसबुक कंपनी मेटावर्स पर $10 बिलियन यानी तकरीबन 75,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मेटावर्स को हकीकत में बनाने के लिए मार्क जुकरबर्ग 10,000 लोगों को हायर करेंगे। आपको बता दें कि मेटावर्स का जो एक्सपीरियंस होगा ना, वो एकदम रियलिस्टिक जैसा होगा। आपको लगेगा कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे सामने है। दोस्तों, कोई भी चीज़ जब तक रियलिटी में नहीं बदल जाती वो इम्पॉसिबल लगती है। जैसे एरोप्लेन को ही देख लीजिए, पहले सबको लगता था कि हवा में ट्रैवल करना इम्पॉसिबल है, बढ़िया पॉसिबल हो गया है, लोग हवा में ट्रैवल कर रहे हैं, एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक वैसे ही बिटकॉइन जो है वो एक नोवेल का ही हिस्सा है, वो नोवेल से ही निकाल के बनाया गया है। अब देखिए बिटकॉइन में सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये पॉसिबल हो चुका है, बिटकॉइन खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। तो ठीक वैसे ही मेटावर्स भी कुछ टाइम के बाद पॉसिबल हो जाएगा, फिर आप जहां चाहें वहां जा सकते हैं एक रूम में बैठे ही। मतलब मेटावर्स बहुत बड़ी दुनिया होने वाली है, बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है जहां लोग बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, पैसे कमाएंगे और आप जहां चाहें वहां घूम सकते हैं, किसी से भी मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं। बहुत ही अनोखी दुनिया होने वाली है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस डाउट को जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसे ही वीडियोज और देखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारी टेक्निकल मेहता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप तक पहुंच सके। कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।